मंगलमय मंगलकरण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सतानाश करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। संसार दुख और मोक्ष सुख के निरूपण संबंधी चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई थी और इस संबंध में संसार के दुखों की चर्चा करते हुए कर्मों की अपेक्षा से दुख पंडित जी यहाँ बता रहे थे। कर्म की अपेक्षा से दुख बतलाने में मूल कारण यह बतलाया गया कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ये दुख का मूल कारण है। यह जीव मिथ्या दर्शन से दुखी है, यह जीव अज्ञान से दुखी है, यह जीव असंयम से दुखी है, ये इसके दुख के मूल कारण है। और फिर कहा इनको तो भेष बनाओ, इनको तो नींव में रखो, इनको तो जड़ में रखो और बाकी जो है सहचारी निमित्त कारण दूसरे दूसरे कर्म दिखाई देते हैं उन सबको देखो। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण नाम के कर्म वे किस तरह से इस जीव के दुख में कारण बनते हैं ये प्रसंग अपना चल रहा था और आज जो चर्चा चलने वाली है इसी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जो इंद्रिय ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है वो इंद्रिय ज्ञान भी दुख में निमित्त बनता है। माने हमारा जो ज्ञान दर्शन है ये ज्ञान दर्शन भी निमित्त बनता है दुख में। और उसके पीछे कारण क्या है, बोले इच्छा और मोह उसके पीछे कारण है। इस प्रकरण की हम चर्चा करेंगे। कल जो हमारी चर्चा चली थी गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, कुछ याद है क्या आप लोगों को? नहीं, केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता, ज्ञान और गेय को मिलाकर के देखता है। ज्ञान माने जानने वाला और गेय माने जानने में आने वाले। जगत में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उनको ज्ञान के माध्यम से जानता है और जानकर एक मेक समझता है, अपने को उस रूप ही अनुभव करता है। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है जिसके कारण यह दुख का अनुभव करता रहता है। शरीर और आत्मा को एक समझता है वो तो है ही, इंद्रिय और आत्मा को एक समझता है सो तो है ही, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय को देखा, जाना, सुना वो ऐसा समझता है कि ये मैं हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने कान से सुना, तो ऐसा अनुभव कर रहा है जैसे एक में कहे। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि भाई जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी के चबाने पर दाढ़ में से खून निकले, स्वाद उस खून का आ रहा है और समझ रहा है हड्डी में से रस आ रहा है। इसी तरह से जितना भी किंचित शांति का वेदन है ये सच में ज्ञान का काम है, लेकिन ये समझ रहा है आनंद गेय में से आ रहा है, आनंद पर वस्तु में से आ रहा है, आनंद विषय में से आ रहा है, ये इस जीव का भ्रम है, ये इसकी गलतफहमी है। देखिए इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ये इंद्रिय ज्ञान दुख में निमित्त और दुख में कारण क्यों बन जाता है। पेज नंबर है 47, 47 नंबर पेज है इस ग्रंथ का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। वहां ऊपर से पांचवी लाइन है, एक एक शब्द देखना बड़ा मार्मिक है। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। सही सही बताओ आपकी इच्छाएं कितनी है, त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की इच्छा है। ये भी जान लूं, ये भी देख लूं, ये भी समझ लूं, ये भी पता लग जाए, ये भी पता लग जाए हमारे को। माने इच्छा तो इतनी है कि सबको जान लो एक साथ। यदि ये इतनी इच्छाएं नहीं होती जानने जानने की इच्छा, तो मुझे बतलाइए इतने न्यूज चैनल क्यों चलते, इतने न्यूज पेपर क्यों चलते, बोलो।
और एक एक घर में तीन तीन न्यूज़पेपर आ रहे हैं, देखो तो सही हालत। और इस न्यूज चैनल पे कुछ चल रहा है और फटाफट बदलो, नहीं दूसरे पे देखो, दूसरे पे देखो, तुरंत पता लगना चाहिए। आज तक अब तक वन मिनट, एक 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 मिनट की खबर चाहिए इसको जानने का लोभ। गुरुदेव कहते थे जानने के लोभ में सगड़ो संसार छे, सारा संसार जानना 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 इस लोभ में पड़ा हुआ है। और जानू और जानू, मैं कभी कभी इस जानने के संदर्भ में ऐसा उदाहरण देकर के बतलाता हूं कि एक पर्दा लगा दो मंदिर में, एक पर्दा लगा दो आप, और उस पर्दे के पीछे पता नहीं क्या है, खाली दीवार थी भले ही और पर्दा लगा दिया हमने, और पर्दे के आगे लिख दिया कृपया इसके पीछे कोई ना देखे। अब क्या होगा बताओ, सच में कोई नहीं देखेगा। लेकिन आपको क्या करना है, वहां कैमरा लगाना है। कोई रहेगा तब तो कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि इज्जत का सवाल लिखा है यार, आप कैसे देख रहे हो उसके पीछे, देखना नहीं है। लेकिन कैमरा यदि लगा हुआ हो और मंदिर में कोई ना हो तो कैमरा दिखाएगा कितने लोग, जैसे ही वो वाक्य पढ़ा वैसे ही मन में ये चढ़ा, मतलब आखिर क्या है, आखिर क्या है, आखिर क्या है। आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, बच्चों को जिस काम के लिए मना कर दिया जाए ये नहीं देखना है, अब हो ही नहीं सकता कि वो देखे नहीं। हम सब की ये हालत है, जगत में हर व्यक्ति जानना चाहता है, जानना चाहता है। और ये कह रहे हैं इच्छा तो ऐसी है सबको ग्रहण कर ले, तो फिर क्यों नहीं कर लेता है, जान ले ना, प्रॉब्लम क्या है। देखो अभी तो इच्छा को बतला रहे हैं, मैं सर्व का स्पर्श करूं, स्पर्शन इंद्रिय, इच्छा इस प्रकार की है कि मैं सबका स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है। पांचों इंद्रियों की बात कर दी, सर्व का स्पर्श करूं के अंदर स्पर्शन इंद्रिय, इच्छा इतनी है मुझे पता लगना चाहिए। रसना इंद्रिय, मैं तो इसको इसको भी खा लूं, इसको भी खा लूं, इसको भी टेस्ट कर, सब को चख लूं, सबको सूंघने की इच्छा है, सबको देखने की इच्छा है। वो तो भाई साहब टीवी की स्क्रीन पर एक समय में एक ही मूवी चलती है, नहीं तो इसके तो बस ऐसा चलता है दो मिनट के लिए बीच में ऐड आते हैं ना तो दूसरी मूवी लगा लेता है, वो चल रहा होता है तो दूसरी लगा लेता है, और इसका मन करता है कि ये भी देख लूं और ये भी देख लूं। एक समय में दो कार्यक्रम चल रहे हो तो ये भी देख लूं और ये भी देख लूं। अभी अभी जैसे चल रहा है ना अपना, समझ लीजिए आप, यहाँ अपनी क्लास चल रही है और उधर शिविर की दूसरी क्लास चल रही है, तो भावना तो यार ये भी देख लो यार, ये भी देख लो यार, ये भी सुन लूं, ये भी सुन लूं यार, एट ए टाइम। हमारे शिविरों में होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े शिविरों में, जयपुर के हमारे बड़े शिविरों में क्या होता है, एट ए टाइम तीन तीन क्लास चलती है, एक साथ तीन तीन क्लास चलती है, उसी समय हमारी क्लास चल रही है, उसी समय समत प्रकाश जी भाई साहब की क्लास चल रही है, उसी समय अभय जी भाई साहब की क्लास चल रही है। तो पता है लोग कहते हैं अरे यार ये इसी समय क्यों रखा, हमें तो इनकी भी सुननी है, इनकी भी सुननी है, अलग अलग रखो। जानना चाहते हैं, सबको एक साथ सुनना चाहता है, इसका बस चले तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक आज ही घूट के पी जाए। लेकिन क्या करें, सारे जगत में ऐसा ही है, आप किसी चीज को सीखने के लिए प्रयासशील होते हैं, आपको ऐसे लगता है आज ही सीख लूं। आप किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है आज ही सारी बातें जानने में आ जाए। आप यदि गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपको लग रहा है मैं तो आज ही सीख लूं सब। आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, आपके मन में आ रही कि मैं इसको जानूं, सब आज ही पता लग जाए। और टीचर कहते हैं भैया एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके होगा, ये वस्तु स्थिति है। तो ये कह रहे हैं यहाँ कि इच्छा तो इतनी है, ये सारा इच्छा का काम है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी जान लो, मेरे को पता क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं बतलाया, मुझे भी पता होना चाहिए था। माने तेरे मन में इच्छाएं बहुत सारे विषयों को देखने जानने की है, ये वस्तु स्वरूप वस्तु स्थिति है। एक शेयोपशम ज्ञान का नेचर ही इसी प्रकार का है कि तू सारी चीजें जान नहीं पाएगा। देखो अगला वाक्य क्या लिखा है, परंतु, अरे भाई तेरी इच्छा है तो जान लेना, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें। बोले परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा वाक्य, क्या कह रहे हैं, शक्ति इतनी ही है तेरे पास में, कितनी शक्ति है, तेरे आंखों की लिमिटेशंस तो है ना, इंद्रियों के सन्मुख आने वाले
और वो भी वर्तमान, भूत भावी को नहीं जानेगा। आप कोई चीज ऐसी नहीं देख सकते हो जो कल चल रही थी, रिकॉर्डिंग की बात अलग है, लेकिन जो चीज हो चुकी है, जो चीज होने वाली है, उसको तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। जो वाक्य एक बार कह करके निकल चुका है, उसे तुम्हारे कर्णेंद्रिय सुन नहीं सकती, वर्तमान विषय को ही ग्रहण कर पाएंगी। ये पराधीनता है इंद्रियों की। मैं सुनना चाहता हूं, यार क्या वाक्य बोला, क्या बोला, निकल गया वो तो, क्या बोला क्या बोला, सुनते रहो आप क्या करें। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, शक्ति तो तेरे में अल्प है और इच्छा तेरी बहुत है। अब बहुत लंबी चौड़ी इच्छा और पावर कम है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये देख रहे, और किनको जान पाएगा शक्ति कम होने से। तो ये कह रहे हैं इंद्रियों के सन्मुख आने वाले, ये प्राप्यकारी है चार इंद्रियां। आप जानते हैं न्याय शास्त्र की भाषा में हम कहें तो चार इंद्रियां तो है प्राप्यकारी, और चक्षु इंद्रिय है अप्राप्यकारी। नहीं ख्याल में आई होगी बात, मैं समझाता हूं। प्राप्यकारी मतलब जैसे समझिए, स्पर्शन इंद्रिय से हमें जानना है, तो स्पर्शन इंद्रिय से विषय को जानते समय एक इंच की भी दूरी पर यदि कोई पदार्थ है तो हम उसके स्पर्श का ज्ञान नहीं कर सकते। ये गर्म है, ठंडा है, चिकना है, रूखा है, तो अब इतनी दूरी है एक इंची की, तो हम नहीं जान सकते हैं कि ये कैसा है, माने टच करना पड़ेगा। ऐसी रसना इंद्रिय, हम किसी विषय को यहां से उठा के यहां तक ले आए और कहे बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो हम बता नहीं सकते। मीठा है, खट्टा है, नमक कम है, ज्यादा है, हम बता नहीं सकते, माने उसको टच करना पड़ेगा। इसका नाम है प्राप्यकारी। घ्राण इंद्रिय की बात करो आप, तो सुगंध और दुर्गंध के जब तक वे परमाणु तुम्हारी नाक तक आकर के टच नहीं होंगे, तब तक घ्राणेन्द्रीय के विषय का पता नहीं लगता। ये प्राप्यकारी है। कर्णेन्द्रीय में भी ऐसा है, शब्द सुने आपने, तो जो शब्द आपने सुने हैं वो शब्द आपके कर्णेन्द्रीय तक पहुंच करके वहां परिणमित हुए हैं, तब सुनाई दिया है आपको। नहीं तो आवाज आ रही है क्या, बहुत सारे लोग पीछे तक बैठे रहते हैं, हम पूछते हैं आवाज आ रही है क्या, तो पीछे से वो जवाब देता है आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा मतलब वहां तक पहुंचा ना। अब इसमें और गजब की बात कहना चाह रहा हूं, मैं जो बात बोल रहा हूं वो बात आपके कान तक नहीं जा रही है। कल मैंने एक वाक्य इसी तरह का कहा था, मैं जो बोल रहा हूं वो आप नहीं सुन रहे हैं, कल ऐसा कहा था। आज कह रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं ये आप तक नहीं पहुंच रहा है। क्या बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात। मैंने जो शब्द बोले, यदि ये मेरे शब्द निकल करके इधर चले गए तुम्हारे पास तक, तो वो शब्द निकल करके इधर कैसे गए, शब्द तो एक ही बार बोले ना। यदि वे इधर गए हैं तो आपको सुनना चाहिए, और वहां पहुंचे हैं तो आपको सुनना चाहिए, और इतने सारे लोग सुन रहे हैं तो सब लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं एक शब्द बोला गया। ये भाषा वर्गणा की तरंगे हैं, उद्गम के परमाणु है ना, ये फ्रीक्वेंसी है इस तरह की। तो यहां के शब्द वहां नहीं, ये बोले गए शब्दों के निमित्त से आपके नजदीक तक पहुंचने वाली जो वर्गणाएं हैं वो यहां कर्णेन्द्री के नजदीक जो भाषा वर्गणा की परमाणु थे वे उस रूप परिणमित होकर के वहां के वहीं सुनाई दे रहे हैं, यहां से वहां नहीं। ये तो भाषा वर्गणाएं तो फैल गई, व्याप्त हो गई चारों तरफ, किसी एक के पास में नहीं पहुंची है। जो शब्द बोले गए हैं ये बोले गए शब्दों की भाषा वर्गणाएं पुद्गल परमाणु ये व्याप्त हो गए यहां। किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। जितनी शक्ति से बोले गए थे उतना तेजी, जैसे विस्फोट होता है ना, तो उसकी आवाज कहां तक जाएगी, धुआं कहां तक जाएगा, हर चीज कितने प्रेशर से किसी चीज को फेंका गया है वो उतनी तेज, तो जितना तेज चिल्ला करके बोला गया है उतने मात्रा में उतने एरिया तक वो वातावरण में परमाणु फैल गए। अब परमाणु तो फैल गए चारों तरफ, अब आपको आपके कर्णेन्द्रीय के नजदीक जो भाषा वर्गणा के परमाणु थे वे परमाणु उस रूप परिणमित हुए, और उसमें भी आपका क्षयोपशम जैसा था, आपके सुनने की शक्ति जैसी थी, आपके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से कर्णेन्द्रीय जन्य जानने की सामर्थ्य कितनी थी, और उसमें भी शब्द बोला गया था कुछ और आपने अपनी योग्यता से उसे ग्रहण कर लिया और कुछ, कि कितनी तरह की पराधीनता है। पहले हमने जो प्रकरण दूसरे अध्याय में चला था उसमें हमने बतलाया था मति श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, एक ऐसा प्रकरण चला था।
और यहाँ कह रहे हैं कि इस मति श्रुत ज्ञान के आधार से ये जीव मोह निमित्त बनेगा। इच्छा माने मोह, इच्छा ज्ञानावरणी में नहीं है, इच्छा दर्शनावरणी के निमित्त से नहीं है, इच्छा तो मोह का काम है। और हमने पहले कह दिया है ये मोह मूल में बैठा हुआ है। तो मोह माने जानने की इच्छा, जानना ज्ञान का काम और जानने की इच्छा, ये साथ में पैरेलल चल रहा मोह। तो जानना दुख का कारण नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी दुख का कारण नहीं है, समझना। लेकिन ये इंद्रिय ज्ञान दुख में निमित्त क्यों बन रहा है? क्योंकि ये साथ में चल रहा है तेरे मोह, साथ में चल रही है तेरे जानने की इच्छा। समझ में आ रही है बात? जो जानने की इच्छा है, अब इच्छा बहुत थी और शक्ति तेरी अल्प थी, और कह रहे हैं शक्ति इतनी अल्प थी कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले पदार्थ ही जानने में आएंगे। अब चक्षु का उल्टा है, चक्षु अप्राप्य करिए, चार बता दिए ना आपको मैंने, स्पर्शन टच होने पे, रसना इंद्रिय टच होने पे, घ्राण माने परमाणु यहां तक आकर के टच हो गए नाक तक, कर्ण शब्द यहां तक पहुंचे तो सुनाई देगा, ठीक है। अब चक्षु इंद्रिय में उल्टा है, बोले ये देख रहे हैं आप, अब ये क्या है? अप्राप्यकारी है, ये यदि आंख के टच हो जाए तो दिखेगा नहीं, दिखेगा दूर चाहिए इसके लिए। चक्षु सारी इंद्रियों में ऐसा है, टच होने पे पता लगेगा चार इंद्रियों में, और चक्षु इंद्रिय में ऐसा है कि यदि टच हो जाए, नजदीक आ जाए तो पता नहीं लग सकता है। ये अप्राप्यकारी है, ये दूर से देखती है, लेकिन दूर से देखने में भी लिमिट है। अब मेरा तो मन ये कर रहा है मैं इधर भी देखूं और इधर भी देखूं, अब क्या करूं? इच्छा तो ऐसी है। अध्यापक जब बोर्ड पर, कोई टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं तो उनका मन ऐसा होता है कि इधर लिखते लिखते मैं उधर भी ध्यान देखूं, वो भी दिखते रहे मुझे सारे विद्यार्थी, क्या करें? शक्ति अल्प है। तो वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, चार शब्द हो गए, पांच हो गए, पांचों इंद्रियों के संदर्भ में कह दिया। वर्तमान स्पर्श को जानेगा, वर्तमान रस को जानेगा, वर्तमान गंध को जानेगा, वर्तमान वर्ण को जानेगा, वर्तमान शब्दों को जानेगा, सब वर्तमान वाले ही जानने में आएंगे, आगे पीछे वाले नहीं। 10 मिनट पहले कोई व्यक्ति यहां कुछ कह करके गया था और हमने आकर के पूछा कि बताओ उसने क्या कहा, क्या पता गई वो बात, तो हम थे ही नहीं उस समय वर्तमान वाला। अब एक और बात है इसमें, मन की बात और करेंगे। देखो आप उनमें से, अब वर्तमान में से भी किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे, ये इंद्रियों वाली बात हुई। ऐसा नहीं कि वर्तमान वाले सारे ग्रहण करने में आ जाएंगे, चक्कर ये भी है कि आपका उपयोग कहीं और था तो बात ही निकल गई, क्या कह दिया, उपयोग कहीं और था तो सामने वाली चीज भी दिखाई नहीं दे रही है, मन कहीं और चला गया आपका तो बोलते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है। इतने तल्लीन हो जाते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे कई बार कि कितनी भी आवाजें लगाते रहो सुनाई नहीं देता, टीवी देखते देखते इतना तल्लीन और इतना तन्मय हो जाते हैं कि कौन आया कौन चला गया पता ही नहीं लगता है। ऐसी ऐसी घटनाएं कई बार न्यूज़पेपर में छपती हैं कि उनके घर में सब लोग टीवी देखते रहे और घर में चोरियां हो गई, ऐसी खबरें चल जाती है। ये क्या हुआ? इतनी खटपट होने के बावजूद भी आपको पता ही नहीं लगा, क्योंकि दिमाग इतना उसमें लगा हुआ था मालूम ही नहीं चला हमारे। उपयोग भी उस तरफ होना चाहिए, वर्तमानकालीन होना चाहिए, और वर्तमानकालीन के साथ साथ वर्तमान में भी किंचित मात्र ही जानना देखना हो पाएगा, ग्रहण करना हो पाएगा। तथा स्मरण अधिक से, स्मरण याद करके मन द्वारा किंचित जाने, मन के द्वारा जानता है, किंचित जानता है, स्मरण करके जानता है। पुरानी बात, अरे यार लड्डू तो उस दिन खाए थे उनकी शादी में, भाई साहब क्या लड्डू थे भाई, क्या बताऊं आपको, आज तक 10 साल बाद तक याद करता है, 25 साल बाद भी कहता है अरे भाई साहब वो तो बात ही कुछ और थी, वो जो देखा था हमने उसकी तो बात ही। ये स्मरण करके, स्मरण करके किंचित जाने, लेकिन उसमें भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, क्या करे, स्मरण करके जान रहा है तो भी अनेक कारण मिलना चाहिए उसके अंदर। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो, क्या करे। अब तेरा चयोपचम ज्ञान है, तेरा इंद्रिय ज्ञान है, तेरा अल्प ज्ञान है, तू अल्प शक्ति वाला है, इच्छा तेरी बहुत है, केवल ज्ञान तुझे है नहीं, पूर्ण ज्ञान तुझे है नहीं, तो तुझे दुखी होने से कोई बचा सकता नहीं। एक ही उपाय है, इच्छाएं मिट जाए बस, और इच्छाएं मिटने का मतलब मोह मिट जाए, और मोह है अज्ञान
मतलब दर्शन मोहनी कर्म का उदय, चारित्र मोहनी कर्म का उदय, तेरे दुख में निमित्त बनते, साथ में अज्ञान और साथ में असंयम, मिथ्यात्व के साथ में। कितनी गजब की बात कह दी है। माने ऐसे पैराग्राफ हैं, इन एक एक पैराग्राफ के ऊपर एक एक दिन चर्चा करो। बोलो, आपको चिंतन के लिए बिंदु दे दिया, अब आप फील करो। जब आपके सामने मिठाई, जैसे बहुत तेज भूख होती है ना, तो मन ऐसा करता है ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। बच्चों को देखो आप, ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे, ये रख लेंगे, कोई जैसे हो ना अपने घरों, ऐसे बच्चे कम मिलते हैं आजकल खाने पीने के प्रति, उनके पीछे पड़े रहो तो भी नहीं खाते हैं बच्चे। लेकिन आप याद करो, अपने बचपन की याद करो, पड़ोसी के बच्चों की याद करो, इधर उधर लोगों को देखो, ऐसे दिखता है आम, ऐसे ऐसे देखा है मैंने घटना, आम खा रहा है। अब आम सब बच्चों को एक एक बांट दिया, और एक एक बांट दिया, उसने खाना शुरू किया और नीचे गिर दिए, ये तो बेकार है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे को तो दूसरा दो। अब उसने तो मुंह में झूठा करके रख दिया, नहीं खा रहा, अब दूसरा दे दिया उसको, अब दूसरा दिया तो फिर दोनों खा गया क्योंकि अब वो तो कोई दूसरा खा नहीं सकता जो मैंने झूठा करके छोड़ दिया। ऐसी इच्छाएं बढ़ती हुई दिखाई देती है, हर चीज में इस तरह का दिखता है। आप देखते हो किसी विषय को, आपको लगता है ये भी देख लूं, दुकान पर जाकर के देखते हो, आप किसी एक्टिविटी को देख रहे हो, आप किसी समझ लीजिए आप क्या कहेंगे उसे, घूमने जा रहे हो आप, है किसी टूरिस्ट प्लेस पर गए हो, आपका मन करता है ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये छूट नहीं जाए, फिर पता नहीं कब आएंगे, ये देखो समय कम है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी देखो, म्यूजियम देख लो, ये देख लो, किला देख लो, वहां का ये देख लो। अब ये भाई तू नहीं देख पाएगा, सबको देखने जानने की स्थिति तो केवल ज्ञान होने पर होती है। और पता है केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? केवल ज्ञान केवल एक आत्मा को देखने से प्रकट होता है। दुनिया के पदार्थों को जानने से दुनिया के सारे पदार्थ जानने में नहीं आते, सारी दुनिया के पदार्थों को जानने का विकल्प तोड़कर अपने आत्मा को जानने और जान करके जानता रहे और अंतर्मूर्त तक अपने आप को जानता रहे, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। लोकालोक भूत वर्तमान भविष्य सहित सब कुछ ज्ञान का विषय एट ए टाइम एक साथ बन जाता है। ये केवल ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान दुख में निमित्त बन गया, इच्छाएं साथ में थी इस वजह से। देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देकर के पंडित जी ने चर्चा की है, पेज पूरा करने की भावना है मेरी। देखो, क्षयोपशम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, क्षयोपशम रूप है इंद्रिय ज्ञान माने क्षयोपशम ज्ञान। अतिंद्रिय ज्ञान उसमें भी, अतिंद्रिय ज्ञान में भी अवधि और मन पर्याय वो भी क्षयोपशम ज्ञान। सिर्फ केवल ज्ञान ऐसा है जो क्षायिक ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान क्षयोपशम रूप है, बोले इच्छा पूर्ण होती नहीं है, क्या करे, होगी नहीं इच्छाएं तेरी पूर्ण, हो ही नहीं सकती है। इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। मोह के निमित्त से इच्छा होगी, मोह है इच्छा का कारण। ये मोह यदि नहीं हो तो इच्छा नहीं हो। और सारे इंद्रियों को, स्पर्शन को स्पर्शन की इच्छा है, रसना को रस की इच्छा है, घ्राणेन्द्रिय को सूंघने की इच्छा है, कर्णेन्द्रिय, यही तो कारण है भाई साहब। ये जो है दादा बतलाते हैं, देखो आप उत्तम ब्रह्मचर्य वाले प्रकरण में 10 लक्षण धर्म में इस तरह की बात कहते हैं, ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये प्रवृत्ति कर रहा है। एक पानी की प्यास लगी तो क्या चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए ना। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय ये कहती है कि नहीं नहीं ठंडा होना चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय ने क्या डिमांड की, बोले ठंडा होना चाहिए भाई साहब। तुरंत रसना इंद्रिय कहती है ठंडा तो है लेकिन यदि थोड़ा सा मीठा होता, क्या टेस्ट इसका अच्छा होता तो फिर पीने में। फिर घ्राण इंद्रिय कहती है कि यार सुगंध भी मिली हुई हो इसमें। चक्षु इंद्रिय कहती है कि थोड़ा कलरफुल हो, रेड दिखे, ग्रीन दिखे, शरबत की बात कर रहा हूं मैं। क्या ठंडा, एक गिलास पानी से आपकी तृषा, आपकी तृष्णा, जो आपकी प्यास है वो बुझ सकती है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय ने डिमांड की ठंडे की, रसना इंद्रिय ने डिमांड की उसके अंदर कुछ मीठा होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ। ग्राण इंद्रिय कह रही है थोड़ा सा इसके अंदर यार सुगंध भी होनी चाहिए।
चक्षु इंद्री कह रही है कलरफुल होना चाहिए, और फिर साथ में क्या कहता है यार ये सब सुना सुना चल रहा है, थोड़ा कुछ म्यूजिक व्यूजिक चले तो थोड़ा सा पीने में मजा आए। मैंने पांचों इंद्रियों को अपने अपने विषय के अनुसार ग्रहण करने की इच्छा होती है। हर व्यक्ति अपने हर इंद्रिय ये भी हो ये भी हो ये भी हो, और कहते हैं जो पानी का गिलास कहीं भी मुफ्त में मिल सकता था तेरी प्यास को बुझाने के लिए, उस एक गिलास के चक्कर में तू सैकड़ों रुपए खर्च करता है किसी होटल में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, ड्रिंक के नाम पे, कोल्ड ड्रिंक के नाम पे है, शरबत के नाम पे, बोलो आप। पेट पेट की तो डिमांड इतनी थी ना कि प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, कंठ सूख रहे हैं, डिमांड तो इतनी थी, बाकी ये सब क्या हुआ? बोले इंद्रियों की डिमांड है, पांचों इंद्रियों की डिमांड है इस प्रकार की, ये कह रहे हैं यहां। तो देखो आप, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा, निरंतर इच्छा, निरंतर शब्द कितना महत्वपूर्ण है, ये निठल ठाला नहीं रहता। ज्ञान पांचों इंद्रियों के माध्यम से, कभी स्पर्शन इंद्री के विषय में, कभी रसना इंद्री के विषय में, चक्षु कर्ण इंद्री के विषय में प्रवृत्त होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। समझ में आ रही है बात? शांति नहीं है इसको, माने इंद्रियों की तरफ से शांति मिले तो ये अतिंद्रिय की तरफ उन्मुख हो, अंदर जाने के लिए प्रयत्नशील हो, और इससे क्या होता है, आकुलित होकर के दुखी हो रहा है। आकुलता बनी रहती है और दुखी होता रहता है, आकुलित होता रहता है और दुखी होता रहता है। और एक गजब के पांच उदाहरण दिए हैं टोडरमल जी साहब ने पांचों इंद्रियों के संदर्भ में, जिन उदाहरणों की चर्चा आत्मानुशासन आदि ग्रंथों के अंदर खूब की है, कई ग्रंथों में मिलेगी आपको ऐसी चर्चाएं। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा दुखी हो रहा है कौन? अब टोडरमल जी खुद थोड़ी ना दुखी थे, हो रहा है कौन? हम, आप, सब लोग। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। मौत दिख रही है सामने, उसके बावजूद भी वो गिन नहीं रहा है उसको कुछ भी, तैयार है करने के लिए। आप देखो मन में, मन की इच्छा की बात करो, आप मन में जो चलता है यार ऐसा करूंगा ना मैं तो मेरा नाम ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं जो गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए, वहां से कूदेगा, ऐसे रस्सी के ऊपर चलेगा, है नियाग्रा फॉल, और वो उसके ऊपर इधर से उधर चल रहा है, इधर से इधर कैनेडा साइड से लेकर यूएस साइड तक, और वो पूरा उसके ऊपर चल रहा है, नीचे भयंकर वो चल रही है, और ये चलता हुआ दिखाई देता है, लाखों लोग आते हैं और सीटियां बजाते रहते हैं और उसकी तालियां बजाते रहते हैं, लोग ऐसे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, मौत दिख रही है, कई लोग मर जाते हैं। ऐसी गाड़ी चलाता है, इतना स्पीड से रिकॉर्ड बनाना है 280 पे, कितने कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, माने मैक्सिमम लिमिट, और ये कहता है ये तो रिकॉर्ड बनेगा मेरा, मौत दिख रही है तू थोड़ा सा चूका, और जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन मौत को भी नहीं गिनता है। सब सब इंद्रियों के संदर्भ में ऐसा है, सारी इंद्रियों के संदर्भ में। टोडरमल जी ने तो पांच इंद्रियों के संदर्भ में एक एक व्यक्ति का उदाहरण यहां प्रस्तुत किया। क्या देखें जरा, वाक्य पढ़ते हैं, मौत की कीमत पर भी ये जो बात कही है, मरण को भी नहीं गिनता है, ये कैसी बात कह दी है? जैसे पांच उदाहरण बतलाता हूं पहले आपको, फिर यहां से पढ़ेंगे अपन। स्पर्शन इंद्री के संबंध में शास्त्रों में आगम में हाथी का उदाहरण दिया है, स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी पराधीन हो जाता है, प्राण गंवाता हुआ देखा जाता है। रसना इंद्री के चक्कर में मछलियां प्राण गंवा देती है, घ्राण इंद्री के चक्कर में भंवरा अपने प्राण गंवा देता है, चक्षु इंद्री के चक्कर में कीट पतंगे दीपक की रोशनी की तरफ आकर्षित होने वाले, और कर्ण इंद्री के विषय में प्रवृत्ति करते हुए आसक्त होते हुए हिरण, वो जान चले जाती है उनकी। तो ये पांच उदाहरण टोडरमल जी साहब ने यहां दिए हैं, मैं इन पांचों बातों को आपको यहां टोडरमल जी के शब्दों में पढ़ता हूं, किस किस तरह से प्राण चले जाते हैं। और फिर पता है आगे ये सारे विषय बतलाने के बाद में एक वाक्य और अपनी तरफ से जोड़ा जा सकता है यहां, कि ये तो एक एक इंद्रिय वाले की दशा है,
और हमारी हालत क्या है, हम कौन से इंद्रिय के विषय में आ सकते हैं, बतलाओ, स्पर्शन या रसना, पांचों में ही, तो क्या हालत होगी, ये तो विचार करो। देखो स्पर्शन का वाक्य चौथी लाइन है इस पैराग्राफ की, जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, हाथी को कैसे पकड़ते हैं आप जानते हैं, जंगल में जो हाथी होते हैं उन हाथियों को कैसे पकड़ा जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में ऐसे ऊपर से जाल बिछा दिया जाता है कि घास वास ऐसे हल्की हल्की ऊपर से रख दी जाती है, और दूसरे की दूसरी साइड में दूसरी तरफ एक कपट से एक हथनी को खड़ा किया जाता है, फीमेल हथनी को, वो कृत्रिम भी हो सकती है और वो रियल भी हो सकती है जो तैयार की गई हो, इंस्ट्रक्शन जिसे दिए गए हों, उसे वहां खड़ा किया जाता है। अब दूर से हाथी चलता हुआ आता है, उससे हाथी हथनी से स्पर्शन इंद्रिय के भोगने की भावना से और गड्ढे में आकर के गिर जाता है। अब वो हाथी उस गड्ढे में आकर के गिर गया, आप कल्पना नहीं कर सकते, मनुष्य गति का जीव राज करेगा उसके ऊपर। एक हाथी यदि अपने आपे से बाहर हो जाए तो आपके पूरे नगर के मनुष्य मिलकर के उसे कंट्रोल में नहीं कर सके, इतनी ताकत है हाथी में, कईयों को मार दे। कभी मेले वेले में इस तरह से कोई पागल हो जाता है ना हाथी, तो सारा तहस नहस कर देता है सब कुछ, किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। वो हाथी पकड़ में आ गया एक व्यक्ति के, कैसे, उस हथनी के चक्कर में। अब फिर क्या होता है, चार चार छः छः महीने तक खाने के लिए नहीं देते हैं सर, क्या मतलब, छः छः महीने तक, चार चार छः छः महीने तक उसको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। वो गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, और खूब कोशिश कर थक हार करके परेशान होकर के बैठ जाता है, फिर कोशिश करता है, बैठ जाता है, फिर कोशिश करता है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। बोलो, फिर कोई एक आता है मनुष्य गति का आदमी, और वहां आकर के उसे कुछ दो टुकड़े डालता है खाने के लिए, कोई गन्ना डालता है उसको खाने के लिए, इक्षु, और फिर वो खाता है तो उसे लगता है इसकी मेहरबानी है भाई, ये यदि नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता, भूखों मर जाता, इसी के अनुसार चलना है मुझे, यही सब कुछ कर सकता है, और फिर वो उसके माथे पर बैठ करके राज करता है। ये हाथी कैसे कंट्रोल में आ गया, ये कह रहे हैं ये जो हाथी की परिस्थिति हुई है ये स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण हुई है, रसना इंद्रिय के कारण। सेकंड स्टेप देखिए आप क्या कह रहे हैं, मत्स्य को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, मछलियां आदि तो पकड़ने के लिए और मैं स्वाद लेने के लिए उसको लगा देते हैं कुछ खाद्य पदार्थ, और वो आकर के उसको कुछ खाना चाहती है और जाल में फंस जाती है, प्राण गंवा बैठती है मछलियां मच्छादिक। भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, कमल में सुगंध है और भंवरा आकर के उसके ऊपर बैठता है, ग्राण इंद्रिय का विशेष सेवन कर रहा है, सूंघता रहता है, सूंघता रहता है, सूंघता रहता है, सायंकाल होने पर कमल बंद हो जाता है, रात्रि होने लगती है, वो सोचता है बस अभी निकल जाऊंगा, थोड़ा सा और अभी निकल जाऊंगा, और ये कमल बंद हो गया, फिर भी निकलता नहीं है, अरे मैं तो कभी भी निकल जाऊंगा, ये कमल के पत्तों को चीर करके निकल जाऊंगा। आपको मालूम है भंवरे में, भ्रमर में इतनी ताकत होती है कि लकड़ी में छेद करके निकल जाए, वुडन में, लकड़ी के संदूक में उसे बंद कर दो ना तो इतनी ताकत है उसमें छेद करके निकल जाएगा वो, और कमल के पत्ते में बंद हुआ, बोलो निकल सकता है कि नहीं, लेकिन होता क्या है, अंदर रहता हुआ अपने प्राण गंवा देता है, कोई हाथी आता है, कोई कुचल देता है, कोई कमल को तोड़ देता है, कुछ होता है, अंदर कमल खुलता है तो अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है, ग्राण इंद्रिय के विषय में उसने प्राण गंवा दिए। आगे अगला वाक्य क्या है, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, चक्षु इंद्रिय का विषय है, दीपक जल रहा है और पतंगा दौड़ता हुआ आ रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये वर्ण, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, लाइट चमकती है तो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और फिर दीपक की लौ में जल करके भस्म हो जाता है। इसी तरह से कर्ण इंद्रिय के संदर्भ में, और हरिण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण को नहीं गिनते, ये हालत है भाई साहब, मौत को नहीं गिन रहे हैं, तत्काल मरण भासित होते हुए भी, और पता लग रहा है हिरण को पकड़ लेता है
शिकारी व्यक्ति शिकार कर लेता है। हिरणों का शिकार सबसे ज्यादा किया जाता है, शेरों का शिकार तो कितना होता है, संख्या ही कम है, बंसी बजाते हैं। और आपने देखा होगा कभी मधुर धुन सुनते ही जो घास खा रहा होता है ना हिरण, ऐसे ऐसे चौकन्ना हो जाता है। आपने देखे कभी हिरणों को, मैंने आवाज सुनते ही ऐसा गर्दन को उठाएगा और ऐसा चौकन्ना हो जाएगा, हिलता डुलता हुआ दिखाई देगा और तुरंत सामने वाला इस दृश्य को देख करके तीर लगा देता है। आपको मालूम है वो एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया, वो क्या कारण था, वो यही था और क्या था, हिरण का शिकार करने के लिए आए थे, कुछ हिलते डुलते हुए ऐसे कुछ दिखाई दिए, बोले वो ही होगा, वो देखो वहां कुछ हिल रहा है, बस विनाश हो गया उनका। पांचों इंद्रियों की हालत करें, मरण भासी तो उसे भी नहीं गिनते। और देखो विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था कि साहब क्यों क्यों किया ऐसा, उसने ऐसा क्यों किया कि यदि मैं विषय ग्रहण करूंगा तो मरण होगा। ध्यान देना पॉइंट कितना महत्वपूर्ण कह रहे हैं टोडरमल जी का, कितना गजब का वाक्य है, यदि ये विषय ग्रहण करूंगा तो मौत होगी है? और विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। अब मतलब क्या निकला, एक तरफ तो दिख रही है मौत, समझ में आ रही है बात, एक तरफ तो होती है मौत और दूसरी तरफ है इंद्रियों की वो इच्छा, इतनी तेज है ज्ञानियों के नहीं होती है। भूमिका अनुसार दर्शन मोहनीय इच्छा का मूल हेतु है, दर्शन मोहनी के चले जाने पर भूमिका अनुसार चारित्र मोहनी के उदयानुसार धीरे 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 इच्छा बनी रहती है। जब मोह पूरी तरह से चला जाता है तो इच्छाओं का पूरी तरह से अभाव हो जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को वो मरण पर्यंत वाली जो तन्मयता रूपी जो इच्छा है कोई बात तो नहीं, मुझे तो ये ऐसी इच्छा नहीं होती है ज्ञानियों को, ठीक है। देखिए दो बातें हो गई, एक तरफ है मौत और दूसरी तरफ है स्पर्शन इंद्रिय का विषय। एक तरफ है, देखो जगत में ऐसा सब कुछ दिखाई देता है, इतना लोभ दिख रहा है इसको, इतना पैसा दिख रहा है, इतना धन दिख रहा है, इतनी आसक्ति दिख रही है, इतनी स्त्री आदि के अंदर आसक्ति दिखाई देती है कि ये व्यक्ति गिनता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। विचार इतना अंधा हो जाता है भोग के काल, पांचों इंद्रियों के विषयों की बात कह रहे हैं, इतना अंधा हो जाता है, हिताहित का विचार नहीं कर पाता है। भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, वो रसना इंद्री के विषय में इतने आसक्त हो गए कि कोई आकर के पीछे से डंडा मारेगा पता ही नहीं, खुशी नहीं। सबकी हालत ऐसी है, हम आप सब उलझे हुए हैं इस तरह से। तो टोडरमल जी का ये जो वाक्य है कि भाई दो में से, ये कह रहे हैं विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था और विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक वासित होती थी, इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव, इंद्रिय विषयों की पीड़ा और इनसे पीड़ित होते हुए सारे जगत के जीव निर्विचार, विचार कर ले भी तो आसक्त क्यों हो भैया, थोड़ा विचार ही कर ले वे तो गलत काम क्यों करें, चोरी करने से पहले यदि विचार ही कर ले वे कि मेरा इसका फल क्या होगा, भोगों के पहले विचार ही कर ले वे कि इसका फल क्या होगा, जब नमकीनों पे नमकीने खाए जा रहा है रसना इंद्रिय के विषय में और तेरा पेट खराब होगा, तेरे दस्त लग जाएंगे, तेरे आंतें खराब हो जाएगी, तो खाए जा रहा है न मालूम क्या क्या, ऐसे लटे लटे ऐसी क्या क्या खाते रहते हैं, कुछ भी मैदा की चीज़ें खाता रहता है, खाता बस रसना इंद्रिय के विषय की आसक्ति सब में लगाना है ऐसा। निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं, हालत ऐसी है। कैसे एग्जाम्पल दे रहे, टूट पड़ता है विषयों की तरफ, कूद पड़ता है भोगों की तरफ, मुझे ऐसा मिल जाए अपने को तो बस, ऐसे टूटता है जैसे पर्वत से कूदने जैसी दशा दिखाई देती है। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, ओ इंद्रिय विषयों के संदर्भ में कह रहे हैं सब, अनेक कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, भाग दौड़ करके उसे विषय के अर्थ खोते हैं, मुझे तो ये चाहिए बस, कितना पैसा लगेगा तुम तो ये बतलाओ, मुझे तो ये चाहिए। वो राजा जी मोहित हो गए लड़की के ऊपर, कुछ भी हो मुझे तो इससे शादी करनी है, अब क्या करूं बोलो। पवन अंजना के रूप पर मोहित हुए थे, राजा श्रेणी चेलना के रूप पर मोहित हुए थे,
ऐसे रूप के मोहियों लोभियों की चर्चा सारे जगत में आपको प्रथमानु योग में 20 उदाहरण मिल जाएंगे इस तरह के। चारुदत्त का क्या हो गया, उसका क्या हो गया, कितने कितने उदाहरण ऐसे मिलते हैं। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी के साथ में कैसे मरा बोलो आप, पत्नी को स्मरण करते करते राजमहल में मरा है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और मर करके सातवें नरक में दुख भोग रहा है अभी, डंडे पड़ रहे हैं। कुरुमती पत्नी का नाम था उसकी, पटरानी का नाम था, और कुरुमती को याद करते करते प्राण निकल गए उसके। भाई तेरी हालत क्या हो रही है। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करके विषय के अर्थ खोते हैं। ये चीज चाहिए, ऐसी चीज मुझे मिलनी चाहिए, खाने के लिए ये मिलना चाहिए, पीने के लिए ये मिलना चाहिए, इसके लिए ऐसा मिलना चाहिए, खोते हैं। तथा विषयों के अर्थ जहां मरण होता जानते हैं वहां भी जाते हैं। मौत दिख रही है, कसिनो में चले जाते हैं, डिस्को में चले जाते हैं, जहां गलत काम इस तरह के हो रहे होते हैं वहां चले जाता है, फिर एकदम पुलिस आकर के छापा मार देती है, पकड़ करके सब जेल में ले जाती है। ऐसे होते हैं ना सब, क्रूज में चले जाते हैं, डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, तूफान चल रहा है, सब कुछ, लेकिन नहीं गिनता है। अभी देखो आप, अभी वर्तमान की परिस्थितियों की बात करो, लॉकडाउन की स्थिति में चारों तरफ से आदेश है, मौत जैसे खतरे दिखते हैं उसके बावजूद भी, मौत की कीमत पर भी, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और जाता है बाजारों में, घूमता है, घर से निकलता है, काम करने के लिए दौड़ता है, और फिर कुछ हो जाता है, और ये क्या हो गया। तो भाई तेरे को कह रहे थे तू घर में रहे, सुरक्षित रहे, नहीं समझता, मेरे थोड़ी ना हो सकता है, मेरे थोड़ी ना हो सकता है, उनके हो गया, उनके हो गया, परिचित लोगों के होता हुआ दिखाई दे रहा है, घर में बैठे हुए लोगों के सिर्फ बाजार की सब्जी खरीदने मात्र से होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बावजूद भी इसको इतना भरोसा है अपने उसके ऊपर कि मैं तो मार्केट में भी निकलूंगा ना तो मेरे कुछ नहीं होगा। अब क्या कहें बोलो, ये टोडर मल्ली कह रहे हैं यहाँ। तथा विषयों के अर्थ जहां मरण होता जानते हैं वहां भी जाते हैं, नरकादिक के कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं, तथा क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न करते हैं। कितनी बातें कहे, कषाय उत्पन्न करते हैं, क्रोध उत्पन्न करते हैं, काम नहीं हो रहा है, विषय की पूर्ति नहीं हो रही है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, चाहता क्या था वो नहीं पा रहा है, ग्रहण करना चाहता है ज्यादा, ग्रहण कर नहीं पा रहा है, इच्छाएं बहुत है, पेट पेट इच्छा कहती है और खा ले, और पेट कहता है बस, इच्छा कह रही है एक डोसा और चलेगा, और पेट कह रहा है बस यार नहीं चलेगा, ले ले यार फिर कब बनेगा, एक और चलेगा अभी तो, अभी अब हालत क्या होगी तेरी, फिर पेट पकड़ के बैठा रहेगा। रोज देख रहे हैं ऐसी हालत चारों तरफ। देखो अंतिम पैराग्राफ पढ़ करके पूरा करते हैं इस विषय को, यद्यपि ये नीचे वाला एक पैराग्राफ भी ऐसा है जिस पैराग्राफ के ऊपर घंटों चर्चा कर सकते हैं, एक घंटे नहीं कह रहा, कई घंटों चर्चा कर सकते हैं, और बेस है इसका प्रवचन सार। वे करें क्या, वे करें क्या, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, क्या भोगों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं, इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक भी हैं। भाई चर्चा अकेले मनुष्यों के बारे में ही थोड़ी ना कर रहे हैं, इंद्रादिक को भी वही पीड़ा है। और पता है इतना सुंदर पद्यानुवाद किया दादा ने प्रवचन सार की मूल गाथा का, सुरपति नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना, रमणीक विषयों में रमे। नहीं नहीं समझ में आ रही बात, सुनो ऐसा कहा ये साहब, देव बन जाएगा ना देव, 32 देवांगनाएं मिलेगी तुझे, और अपने अनुसार देवांगनाओं को ले जाता है अपने अपने भोग इच्छा के अनुसार, और भोग भोगता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है साहब, प्रॉब्लम ये है कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तू पीड़ित है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तू दुखी है। ये जो वाक्य लिखा है ना, इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं, इंद्र भी अति आसक्त हो रहा है, चक्रवर्ती भी अति आसक्त हो रहा है, राजा महाराजा सेठ साहूकार दुनिया भर में सारे लोग अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया, जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष
आसक्त होकर खुजाता है, जिसके ऐसे खुजली हो रही है ना खतरनाक, वो कहता है जो मजा आता नहीं दूध भात खाने में, क्या वो मजा आता है खाज के खुजाने में। संतुष्टि मिलती है उसको बस, और मीठी मीठी ऐसी ऐसी लगती है, हाथ रुकता नहीं है, फिर थोड़ा सा। अब ये ऐसी है, ये टोडरमल जी कह रहे, खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए, क्या यदि यदि पीड़ा नहीं हो तो खुजाता किस लिए, हमें यह बात बतला। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्राधिक, इंद्रियों का रोग है, भोग भोगने की इच्छाओं का रोग है, ये महाबीमारी है भाई साहब। हम ये कहते हैं कोई व्यक्ति रोटियों पर, लड्डुओं पर, भोजन सामग्री के ऊपर टूट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पीड़ित है, भूख लग रही है बहुत तेज, लाओ जल्दी लाओ ये चाहिए, ये चाहिए। तो तेरी ये जो प्रवृत्ति है ये बतला रही है जितना ज्यादा खाने की प्रवृत्ति दिख रही है इतना मतलब उतना ज्यादा भूखा है। कोई कोई व्यक्ति के सामने भोजन साफ ऐसे खा रहा है, मान लो ऐसे खा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देखने वाला क्या कहेगा, पता नहीं कितने दिन का भूखा है, कितने दिन से पीड़ित है। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के भोगों को भोगने में, ग्राण चक्षु कर्णेन्द्रिय विषयों को भोगने में, यदि ये जीव टोडरमल जी के शब्दों में कहें हाफते मारता है, ऐसा पीड़ित होता, ऐसा आसक्त दिखाई देता है, माने भाई तू दुखी था, पीड़ित था, भूख की वेदना हो तो भोजन ग्रहण करे, चक्षु इंद्रिय के विषय ग्रहण की पीड़ा हो तो मूवी देखे, कर्ण इंद्रिय के विषय ग्रहण की इच्छा पीड़ित हो तब जाकर के सुनने में आसक्त होता है। तेरी आसक्ति इस बात को दिखाती है कि सहा नहीं जा रहा था, इंद्रिय विषयों के संदर्भ में कह रहे हैं सारी बात। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्राधिक आसक्त होकर तन्मय होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें। अब पता है ये कहता क्या है, मजा आ रहा है साहब, आप कुछ भी कहो साहब मजा तो आ रहा है साहब, भोगने में मजा आ रहा है, भोगने में मजा आ रहा है। तो पता है प्रवचन सार में क्या उदाहरण दिया, इनका मजा इस प्रकार है जैसे खोलते हुए तेल में पकौड़ियां डालने पर नाचती है, पकौड़ियां डालने पर नाचती है ना, नाचती हुई दिखाई देती है, फूलती हुई दिखाई देती है, क्या हालत हो रही आप नाच रही है, नाचती हुई क्या दिख रही है खोलते हुए तेल में, ये एग्जाम्पल दिया प्रवचन सार ने। ऐसा इसी तरह से तुझे जो मजा आता हुआ दिखाई दे रहा है ये तड़प है, ये उस तड़प की पूर्ति हो रही है, ये पीड़ा का सूचक है, ये तकलीफ का सूचक है, ये कष्ट का सूचक है। यदि वो पीड़ा न हो तो सेवन किस लिए करे, भूख नहीं हो तो कैसे भोजन के पास आकर के बैठे, प्यास नहीं हो तो पानी क्यों पिए, बीमार न हो तो दवाई क्यों लेवे, दवाई लेना इस बात को दिखाता है कि बीमार है। तो इस प्रकार टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं भाई ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान, दो कर्म, एक ज्ञानावरण एक दर्शनावरण, इन दोनों के क्षयोपशम से काम क्या हुआ, ज्ञान था तेरा इंद्रिय जनित, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से, मिथ्या दर्शन साथ में था, अज्ञान साथ में था, असंयम साथ में था, है ना, इनके निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। मैंने यहां यह सिद्ध कर दिया कि तेरा इंद्रिय ज्ञान तेरी इच्छा सहित होने के कारण दुख में निमित्त बनता है, यह इंद्रिय ज्ञान तेरे दुख का कारण होता हुआ दिखाई देता है, पैरेलल चल रहा है मोह, तेरे है इंद्रिय ज्ञान और कारण बन गया है दुख का। कि साहब बात तो सच्ची कह रहे हो, दुख तो बहुत है, कोई उपाय बतलाओ, बड़े यदि उपाय जानना है तो कल ठीक 9:20 पे टोडरमल जी बतलाएंगे कि ये जो तुझे दुख है इस दुख से निवृत्ति का उपाय क्या है, उसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे, अभी की बात को यहीं विराम दे। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दूर।